Hey guys and welcome to Tele Masala और मैं आ पहुंचा हूं कहां पे पता आपको अधूरी कहानी हमारी के सेट पे जहां पे आपका ये फैन जर्नो लेकर आया है ढेर सारे सवाल और किसके पास ना ना दादान माधव और मनस्वी सबसे पहले आपका स्वागत है टेली मसाला में तालियां थैंक यू कैसा मतलब टेली मसाला में द ओनली क्वेश्चन आई आस्क फ्रॉम ऑल एक्टर्स कैसा फील कर रहे हो टेली मसाला पे आके ऐसा फील कर रहे हैं बताइए बड़ा बेसिकली मैं तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फील कर रही हूं बिकॉज़ दिस इज नॉट माय फर्स्ट इंटरव्यू सो ऑफ कोर्स एक्साइटेड हूं एंड उससे ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूं बिकॉज़ हम दोनों का ये आई थिंक फर्स्ट इंटरव्यू है एंड सिंस मैं आप दोनों को बता दूं कि ट्विटर पे बहुत ज्यादा स्पैम किया गया मुझे कि माधव और मनस्वी का इंटरव्यू लेकर आने के लिए तो इसीलिए मैंने बोला चलो कर लेते हैं नहीं कर नहीं लेते सिंस मेरे पास इतने सारे सवाल हैं दीज आर आवर फैन क्वेश्चंस सो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और एक एक करके पूछते हैं तो मेरा पहला सवाल है विच हैज़ बीन द फनीएस्ट प्रैंक प्लेड ऑन यू और प्लेड बाय यू लक्ष्य हमारा कैंटीन था स्कूल कैंटीन सो देयर आई डिड समथिंग विच क्रिएटेड अ ह्यूज फूड वॉर पूरे स्कूल में देयर वर बर्गर्स एंड पैटीज एंड व्हाट नॉट फ्लाइंग इन द एयर हिटिंग टीचर्स स्टूडेंट्स एवरीवन एंड इन द एंड सब लोग कल्प्रिट घोषित हुए और हम ही बच गए वो मेरे लिए बहुत बड़ी विन थी कि अपनी फूड वॉर क्रिएट मैंने किया लेकिन मैं फंसा नहीं सो नाइस दैट्स व्हाट दैट वाज वन ऑफ द प्रैंक दैट आई डिड बिगेस्ट प्रैंक क्या कहेंगे भाई आप अपने बारे में मैंने बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑफ कोर्स मैंने बीइंग वेरी ऑनेस्ट सबसे पहले बीइंग वेरी ऑनेस्ट सपने सुहाने लड़कपन के सेट पे गिरने के अलावा बेहोश होकर क्या किया है मैं इतनी बार भी बेहोश नहीं हुई वो आपको सेकंड डे नाचते रिमेंबर वो क्यों आता है आपको याद है गिव यू 5 स्टार ही वाज लाइक ओके थैंक यू सो मच आई रिमेंबर आई वुड रिटर्न यू कि ले लो भाई नहीं चाहिए हां एनीवे ओके जैसे आपने कहा सपने सुहाने की सेट पे सो आई रिमेंबर मैंने एक बार मेरे कोस्टा को मैं कोस्टा का नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं बहुत छोटा सा प्रैंक किया था उसके एरिया मैंने बाहर से लॉक कर दिया एंड उसका शॉट बहुत टाइम बाद ना तो मैंने लॉक किया चाबी अपने पास रखी एंड देन one type that he was inside of. That was the prank which I played. ये क्या prank था ये? That was a prank on me. किसी को lock कर दिया था वो prank. Of course. हम सबको महिमा पता है, उनके pranks पता है. Next सवाल हमारा ये है, if you had to change your name, what would you change it to? राजवीर. मेरी मॉम का बहुत ही फेवरेट नाम है वो हमेशा से चाहती थी कि मेरा नाम राजवीर हो बट पंडित जी जो हर जगह आते हैं उन्होंने मेरा नाम लक्ष्य रख दिया सो दैट्स इट मैं आज भी चाहूँ तो अपना नाम राजवीर चाहूँगा थैंक्स महिमा आई एम वेरी ग्लैड ऑफ माय नेम महिमा आई वुडंट लाइक टू चेंज इट बच्ची सेंटी हो गई कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद टिश्यू पेपर्स लेकर पहुँचेंगे कैन यू इमिटेट ईच अदर It's very easy to imitate me, but she's okay. No, I can't. She's very hard. You have to. I have to. Why am I so hard to be imitated? First of all, she's never quiet, so. Oh, hello. अगर मैं quiet हो गई तो I'm very quiet. I hope you know that. So एक let me just what is that one thing that you always do? Suppose you got a gift. Oh my god, I got a gift! After 16 years of my entire life, this is the first gift I've got. That's how you react. That was not my reaction. I was sitting in the next room, that's how you reacted, Mahima. Grow up. Just a gift. So, of course, I would be excited. I was reaction to give a last room. Mein tha. I can't be so stoned like you. I was in the last room. Mein tha. Wahan tak awaaz aayi hai tumhari. So? Ruby, oh my god, as if Taj Mahal tumhare naam kar diya ho, yaar. वो उन्हें करने की जरूरत ही नहीं है वो जो उनकी जेस्चर था ना प्यार तो प्यार एक्सप्रेस करने का आई लव इट एंड यू लाइक यू फील समथिंग द वार्मथ ऑफ द गिफ्ट नॉट लाइक यू गो सो क्रेजी आई हैव टू गो क्रेजी गिफ्ट में मतलब तुमने शीशा देख लिया और यू गॉट सो स्कैर्ड दैट यू येल्ड सी आपको पता चला कितना तंग किया जाता है मुझे सेट पे कितना टॉर्चर किया जाता है यार कुछ तंग नहीं बात सब कर सकते हैं इमिटेट व्हाट अबाउट यू लक्ष्य डोंट लुक एट मी लाइक दैट It is very hard to imitate you too.
See, अगर मैं इनको imitate करूँ ना, so I don't have to react to anything. एकदम ऐसे stone रहना है. So like, okay, just the same way, if you get a gift, how would Lakshya react? Okay, for instance. Okay, I just gave you an iPhone. So he'll look at it and he'll be like, wow, thank you so much. यार wow निकलेगा कि नहीं कि तुम वैसे thanks. What if I have iPhone 6 2 then? Same phone, why would I react so much? Get close to what I do. At least they want something. So ये कुछ react नहीं करेंगे, वो बस ऐसे ही देखेंगे, be like thanks यार, nice, I liked it. Laksh, what do you do to have fun? What do I do to have fun? What kind of fun are you referring to, sir? Anything, जो आपके दिमाग में है. मेरे लिए मजा क्या है? मेरे लिए मजा है अकेले बैठना, गाने सुनना, movies देखना. I love watching movies. Reading about people, knowing them. Random text का whatever Google करता हूँ मैं. I read about people. Novelist, everything. बस मुझे बहुत खुशी मिलती है पढ़ के वो चीज़. I like fun. सबसे बड़ा fun मेरी ज़िंदगी का जो मैं काम कर रहा हूँ acting. मैं घर पे भी जाता हूँ तो I read scripts, मैं करता रहता हूँ जो भी. That's fun. मज़ा है. Good boy. मैं थोड़ी देर में रोने वाला था. कोई बात नहीं महिमा, आप क्या कहेंगी? मेरे लिए fun for me is watching Povo channel. And eating happy meal. बोल दो जो बोलना है बोल दो और जितनी बुराई करनी कर लो. हाँ, सो ऑफ कोर्स मुझे आप हंसना बंद करेंगे प्लीज. विल यू प्लीज कीप. व्हाट डू यू डू टू हैव फन? या ही इज इंटरप्टिंग नॉट मी. ओके, मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है. आई जस्ट सेड द सेम थिंग, प्लीज से समथिंग एल्स. आई लाइक इट टू. तो अगर वो मुझे ये सवाल पूछते तो मैं यही बोलती. एंड जो मेरे लव्ड वंस होते हैं, मुझे उनसे बहुत सारी बातें करना बहुत पसंद है. तो जब मैं उनसे बात करती हूँ, आई फील आई हैव फन. सो म्यूजिक एंड सेकेंडली बात करना. नाइस नाइस. जय महिमा देवी. अच्छा लक्ष्य, मेरा नेक्स्ट सवाल है, इफ यू कुड हैव एन अनलिमिटेड स्टोरेज ऑफ वन थिंग, व्हाट वुड इट बी? मेरी मॉम के हाथों के बने पराठे. आई थॉट समथिंग एल्स लाइक वो क्या कहते हैं, एनर्जी ड्रिंक एंड जिम इक्विपमेंट्स. पराठे में इतनी जान है, नथिंग कैन स्टैंड. नाइस आंसर. महिमा, हैप्पीनेस. वो कहाँ स्टोर करोगी आप? अपने अंदर स्टोर करूंगी. व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? लाइक अभी तो व्हाट डू आई वांट टू बी व्हेन आई ग्रो अप? सच अ Of course, अभी तो मैं डॉक्टर, लॉयर. हाँ लॉयर, लॉयर बनना है मुझे. जस्टिस. एनीवे, अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस. दैट यू स्टिल आर. आई सेड अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस. यू आर सक्सेसफुल, अनडाउटली यू आर. अब गिफ्ट आ रहा है, क्या चाहिए? गिफ्ट से सब कुछ नहीं होता. नो बट या अ बेटर एंड अ सक्सेसफुल एक्टर. चलो कोई बात नहीं, हमारा नेक्स्ट सवाल है लक्ष्य आपसे, इफ हेवन एग्जिस्ट व्हाट वुड यू लाइक टू हियर फ्रॉम गॉड व्हेन यू अराइव एट पर्ली गेट? सन, यू हैव डन अ स्प्लेंडर जॉब डाउन देयर. गुड. मैं चाहूँगी कि अगर ऑफकोर्स जैसे आपने क्वेश्चन किया कि अगर मैं हेवन में जाऊँगी तो आप, मैं क्या चाहूँगी कि मुझे भगवान कुछ कहे. सो मैं चाहूँगी कि ही वुड बी सेइंग कि दैट आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग. आई वांट हिम टू से दैट. बहुत अच्छी बात है. बेस्ट थिंग अबाउट ईच अदर. बेस्ट थिंग अबाउट हर. बहुत चीज़ें, इनकी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. एक चीज़ जो मुझे इनकी बहुत पसंद है वो ये है कि बींग एन एक्टर ऐसे कि शी कैन मेक मी क्राई, विच इज़ वेरी हार्ड. Which is very hard, she knows it. In the scene, अगर कोई scene ऐसा है which requires रोना हमारा, तो that doesn't take long. अगर वो रो रही है, I can see the pain in her eyes and I feel it. सबसे बेहतरीन बात इनकी ये है. And she's into it. वाह महिमा, वाह महिमा देवी, महिमा देवी. What about him? Supportive है. And जैसे बाकी एक्टर्स आपने देखा होगा फेक एंड सेम होते हैं, दैट्स नॉट हिम.
बट या काम एंड कंपोज है वो थोड़ी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती बट या बहुत सपोर्टिव एंड बहुत हेल्पफुल है एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट चलो हमारा नेक्स्ट सवाल है हु लाफ द मोस्ट ड्यूरिंग शॉट एंड हु इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन सी कल जैसे हम क्या शूट कर रहे थे मतलब सीखा बैंगिंग द डोर तो वो तोड़ना था तो मैंने तोड़ा उसके बाद मैडम को बहुत हंसी आ रही थी पता नहीं क्यों आ रही थी क्या था वो किस तरह से था एक्चुअली मुझे हंसी इसलिए आ रही थी बिकॉज सेटिंग दादा ने ना मतलब हमारा जो दरवाजा था वो फुल ऐसे उन्होंने क्या कहते हैं उसे या उन्होंने कुंडी लगा के रखी थी अंदर से ही वाज सपोज्ड टू ओपन इट लेकिन फिर भी उनका ध्यान नहीं रहा पता नहीं क्या और हमारे जो युवराज है उन्होंने इतना जोर लगाया कि कुंडी भी टूट गई वो हैंडल भी टूट गया सो पूरे दरवाजे का सत्यानाश हो गया था एंड इसीलिए मुझे हंसी आई कि वाह डायरेक्टर और मुझे याद है कि लक्ष्य बात कर रहे थे एंड कुछ क्रिएटिव डिस्कशन चल रहा था एंड देन लक्ष्य आए एंड देन या वी मेट हाय हेलो हुआ सीन के वक्त ही हुआ बेसिकली ना सीन के पहले हुआ और ना सीन के बाद हुआ बट जब हम टेक करने जा रहे थे तब Nice. यही तो जानना चाहते थे आप अब हो गई ना अब जाओ यहाँ से हमारा लास्ट नहीं सेकंड लास्ट सवाल है हु फाइट द मोस्ट एंड हु कम्स एंड सेज सॉरी दोनों ही फाइट करते हैं और दोनों ही बाद में गिल्टी फील करते हैं सही बोला ना मैंने मैं तो करता हूँ आपका पता नहीं मैं I know that I have done something wrong then I say yeah okay actually मैं अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील करती हूँ बट जो लोग नहीं जानते इनके लंबे बाल हैं बहुत बड़ी दाढ़ी है और ये मेरे कमरे में घुस गए थे जब मैं सबवे खा रहा था Crazy and funny. Crazy and funny, really nice guy. थैंक यू सो मच और इसी के साथ आपके विशेस भी पूरी हो गए और इसी की तरह हमारा थैंक यू सो मच लक्ष्य थैंक यू महिमा और इसी के साथ हम आपको बता दें कि ऐसे ही सारे सवाल हम आपके फेवरेट एक्टर से पूछते रहेंगे तब तक के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए और बताइए कि मैं किन के पास जाऊँ तब तक बने रहिए टेली मसाला के साथ कैमरा पर्सन पुनीत के साथ नवीन सिंह भारद्वाज टेली मसाला